क्या बुझने वाली है जंग की ज्वाला? क्या रूस यूक्रेन के बीच बन गई बार? क्या शांति वार्ता में निकल गया हल? क्या यूक्रेन में अब पटरी पर लौटेगी जिंदगी? क्या रूस यूक्रेन से हटा लेगा सैनिक? रूस की बात पर अमेरिका को क्यों नहीं भरोसा? क्या नेटो का निमंत्रण बिगाड़ देगा सारा खेल? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भड़के जंग की ज्वाला के खत्म होने के आसार अब दिखने लगे हैं। तुर्की में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता इसकी गवाही दे रही है, लेकिन लगता है कि नेटो देशों को शांति की ये कोशिश हजम नहीं हो रही है। तभी तो युद्ध की शांत हो रही ज्वाला को भड़काने की तैयारी कर रहे हैं। रही सही कसर अमेरिका रूस के खिलाफ बयान देकर पूरी कर दे रहा है, जिसके बाद रूस का मिजाज बिगड़ना तय माना जा रहा है। आखिर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का प्लान क्या है? ऐसे समय जब शांति वार्ता के जरिए सुलह का रास्ता निकल रहा है, तो नेटो और अमेरिका क्यों इसमें खलल डाल रहे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको रूस की पूरी युद्ध नीति भी समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता को पटरी से उतारने के लिए नाटो ने क्या चाल चली है, ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दो कि यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही साबित करने के लिए रूस की ओर से कूटनीतिक पहल शुरू हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई इन दिनों चीन के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके बाद वो भारत भी आ सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्गेई गुरुवार शाम या शुक्रवार सुबह तक भारत आ सकते हैं। उधर सर्गेई के दौरे से पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलील सिंह भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दलीप सिंह यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से छेड़ी गई जंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर भारत में अपने समकक्ष अधिकारियों से बात करेंगे। इसी अमेरिका का भारत को अपने पक्ष में मिलाने का एक बड़ा हथकंडा माना जा रहा है। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में आज भी वार्ता का दौर जारी है। दोनों देशों के मंगलवार को ही बातचीत में कुछ सार्थक नतीजे निकले थे। रूस यूक्रेन के बीच खत्म होगी जंग, वार्ता से निकल रहे हैं पॉजिटिव संकेत। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 35वां दिन है। इस बीच युद्ध को रोकने के लिए दोनों देश वार्ता भी कर रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में हो रही बातचीत इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों के बीच 3 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर हमला कम करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि दोनों देश सहमति से सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि मॉस्को के प्रमुख वार्ताकार ने साफ किया कि कीव और उत्तरी यूक्रेन के आसपास सैन्य अभियानों को कम करने का रूस का वादा युद्ध विराम नहीं है। इसके लिए अभी कीव के साथ बातचीत का लंबा रास्ता तय करना है। वहीं यूक्रेन ने इस बातचीत के दौरान रूस के सामने कई प्रस्ताव रखे। यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर रूस की तरफ से भी सकारात्मक पहल की गई है। बातचीत के दौरान ही रूस के उपरक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव और चेर्निहिव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। इस बयान के कुछ देर बाद में ही कीव से रूसी सैनिकों को पीछे हटने की खबर आई। इधर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दावा किया कि दूसरे दौर की वार्ता में दोनों पक्षों में 6 बिंदुओं में से 4 पर सहमति बन गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति एर्दोगन के ये बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि उन्होंने ही पहले दौर की बातचीत के बाद कहा था कि दोनों देशों के बीच किसी भी बात पर समझौता नहीं हुआ है और ये युद्ध अब लंबा चलेगा। तुर्की के बयान से इतर दोनों देशों के बीच सुलह का रास्ता निकलने को लेकर अमेरिका ने आशंका जाहिर की है। पेंटागन ने कहा कि रूस ये दिखाना चाहता है कि वो कीव को छोड़ रहा है और युद्ध को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये सच नहीं है, रूस केवल दूसरे देशों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस अपनी पूरी सेना कीव से नहीं हटा रहा है, बल्कि सेना की एक छोटी टुकड़ी ही निकाली गई है। पेंटागन ने कहा, वास्तव में रूस अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुला रहा है, लिहाजा कीव की चुनौती खत्म नहीं हुई है। रूस कीव पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अब दूसरी रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि रूस कभी भी हमले तेज कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कुछ ऐसी ही आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे लगे कि बातचीत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही हो। रूस में गंभीरता के संकेत नहीं दिखे हैं। हालांकि अगर यूक्रेन का निष्कर्ष है कि रूस गंभीर है तो ये अच्छा है और हम इसका समर्थन करते हैं। ब्रिटेन समेत नेटो के तमाम देशों ने भी कहा कि अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए राजी भी हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी रूस पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा क्योंकि इन्हीं प्रतिबंधों के कारण रूस बातचीत के लिए तैयार हुआ है, लिहाजा ये प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे। दोस्तों, दोनों देशों के बीच भले ही शांति वार्ता की गाड़ी पटरी पर चलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में भी रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले कम नहीं किए हैं। कीव को छोड़कर यूक्रेन के दूसरे शहरों पर रूस ने बमबारी जारी रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक कीव
जैतोमिर, खार्किव, देनिप्रो, पोल्टावा में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर पर रूस ने मिसाइल से हमला किया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। ऐसी हालत में युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। दरअसल रूस की इस बमबारी का कारण भी है, वो कारण है नेटो देशों के होने वाले सम्मेलन में यूक्रेन को निमंत्रण भेजा जाना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूक्रेन रूस के बीच जंग खत्म हो, शायद नेटो और अमेरिका ये नहीं चाहते, इसलिए नेटो सम्मेलन में यूक्रेन को निमंत्रण भेजकर उन्होंने एक सियासी चाल चली है। शांति वार्ता के बीच निमंत्रण का मतलब क्या है? क्या अमेरिका नहीं चाहता खत्म हो जंग? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को तुर्की के इस्तांबुल में आमने सामने की वार्ता शुरू हुई। यूक्रेन ने रूस के साथ महीने भर से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे जिसमें नेटो में शामिल होने की अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को छोड़ना भी शामिल है। वार्ता खत्म होने के बाद कहा गया कि ये काफी सार्थक बातचीत रही। इस बैठक के बाद लग रहा है कि यूक्रेन पर रूसी अटैक अब रुक सकता है। रूस ने आश्वासन दिया है कि इस्तांबुल में सार्थक वार्ता के बाद कीव के आसपास सैन्य गतिविधियों को कम करेगा। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर शुरू किए गए हमले के बाद पहली बार है जब रूस ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। इसके बदले में यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के साथ तटस्थ रहने का आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ देगा जिसके बाद ही रूस अपने सैनिकों के वापसी का ऐलान करेगा। हालांकि सकारात्मक घटनाक्रम के बीच एक ऐसी खबर आई है जो बनी बनाई बात बिगाड़ सकती है। दरअसल नेटो ने मंगलवार को यूक्रेन को 6 और 7 अप्रैल को ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे में नेटो द्वारा आमंत्रण दिए जाने के बाद यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी अटैक का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि वो नेटो में शामिल होने जा रहा था जिससे रूस को एतराज था। हालांकि इस बैठक में यूक्रेन के अलावा जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया गणराज्य को भी बुलाया गया है जो नेटो के सदस्य नहीं है, लेकिन इन देशों से इतर सबकी निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को पहले नेटो शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो कि पिछले सप्ताह गुरुवार को हुई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर चर्चा की थी। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन चाहता क्या है? जानकारों का कहना है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी चाहता है जो नेटो की सामूहिक सुरक्षा गारंटी के बराबर या उससे बेहतर हो। यूक्रेनी वार्ताकार डेविड आर्खामिया ने रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा कि हम सुरक्षा गारंटी का एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र चाहते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ही कनाडा, जर्मनी, इजराइल, इटली, पोलैंड और तुर्की गारंटर देशों के रूप में शामिल हो और जहां गारंटर देश नेटो के अनुच्छेद संख्या 5 के समान उसकी रक्षा करें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अनुच्छेद संख्या 5 क्या बला है जिसकी यूक्रेन रूस से मांग कर रहा है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, नेटो संधि का अनुच्छेद 5 में सदस्य देशों को हमले के मामले में अन्य सदस्यों की सहायता के लिए आना होता है। लिहाजा यूक्रेन चाहता है कि अगर भविष्य में उसके ऊपर कोई देश आक्रमण करता तो उसे इस तरह की सुरक्षा कवच पहनाया जाए जिससे उसकी रक्षा हो सके। यूक्रेन ने कहा कि इस तरह की सुरक्षा गारंटी के साथ यूक्रेन तटस्थ रह सकता है और नेटो में शामिल होने की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ सकता है। वार्ता में एक अन्य यूक्रेनी वार्ताकार अलेक्जेंडर चाली ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन किसी भी सैन्य राजनीतिक गठबंधन में शामिल नहीं होगा, इसके साथ ही अपनी धरती पर विदेशी सेना का बेस भी नहीं बनने देगा और परमाणु हथियार हासिल भी नहीं करेंगे। यही नहीं, यूक्रेन डोनबास और क्रीमिया पर दावा भी नहीं करेगा। दोस्तों, युद्ध खत्म हो जाए ये मैं और आप भी चाहते हैं क्योंकि कोई भी शख्स विनाश का प्रेमी नहीं होता। लिहाजा मेरी और आपकी कामना है कि दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द शांति बिगुल बजे और फिर से अमन चैन कायम हो। जय हिंद, जय भारत।